हम तो अपनी पार्टी को भी कहेंगे कि अगर बोलना नहीं है तो फिर कोई और काम कर ले। एक सेकंड, बोलना पड़ेगा, इसलिए कि बोल के एक आदमी ने झूठ की एक इमारत खड़ी की है। हर आदमी डर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकालता है, अदारों को गालियां निकालता है, इलेक्शन कमीशन को निकालता है, इसकी मर्जी का फैसला ना आए तो ये ऐसी तैसी कर देता है। हर बंदा छुपता फिरता कि गालियां निकालेगा, सोशल मीडिया पे गद्दार चोर नैरेटिव बना देगा, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए उसने इस काम पे। वो पैसा किधर से आया इमरान के पास? इसका तो कारोबार ही कोई नहीं है, इसे कौन पैसे देता लोगों को बेइज्जत करने के लिए और बदनाम करने के लिए? सूरत हाल है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से और जो पंजाब में वज़ीर आला के हवाले से क्या अहम फैसले मुतवक्को हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात यह है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई सैलाब आ गया पीटीआई का। भाई 20 नशिस्तें जिन पर इलेक्शन हुए उनमें से कोई पीएमएलएन की नहीं थी, और उस पर या पीटीआई जीती थी या इंडिपेंडेंट जीते थे, और हमने वहाँ से 5 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह जीती है। पहले तो ये बयानिया पिट गया इमरान खान झूठे का, इमरान काजिब का, बल्कि जो उसका असल नाम है, कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत कर रही है, ABC एक्स वाई जेड बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन पार्शल है। तो अगर ये सब पार्शल थे तो तुम कैसे जीत गया भाई 15 सीटें? तो ये तो झूठ फिर पकड़ा गया उसका। आगे भी बड़े पकड़े गए हैं, झूठे आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अगर बेशर्म हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है कि पीटीआई का सैलाब आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन का वोट बैंक इंटैक्ट रहा है, हमारा वोटर सपोर्टर हमारे साथ खड़ा है। ऑब्वियसली उम्मीदवारों की सिलेक्शन में इश्यूज थे और हमने कमिट किया हुआ था उसको ऑनर करना था, कई जगह पे सिंक्रोनाइज नहीं हो सका। 20-25 दिन में हम पीएमएलएन के वोटर को पूरी तरह जोड़ नहीं सके, कई जगह जुड़ गए, ये एक मसला था। दूसरी अहम बात है कि महंगाई जो है वो जिसको छोड़ गए हैं विरासत में, हमें तो 3.5-4 महीने हुए आए हुए, 4 साल तो इमरान खान ने इस मुल्क को रूल किया है नलायकी के साथ। तो जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं और जो महंगाई हुई है और जो असल में रद्दे अमल इमरान की नलायक हुक्मरानी का, उसको हमने भुगता है। भागना चाहते भाग सकते थे, बार बार मैंने ये बात की है, भागे नहीं। भागे क्यों? अपना मुल्क छोड़ के आदमी क्यों भागे? किसी और पर जिम्मेदारी डाल के, जिम्मेदारी उठाई है कालक इमरान खान की थी, ज़ाहिर है उससे हमारे कपड़े भी मैले हुए हैं, लेकिन आप मैदान से भाग नहीं सकते और मैदान से कोई भागेगा भी नहीं। इसे गलत फहमी है कि ये गालियां निकाल के लोगों को गदार करा के प्रोपेगेंडा करके, तो ये सियासतदान की खाल बहुत मोटी होती है। ये सरकारी अफसरों का काम है, उन पर प्रेशर आता है, अदारों पर प्रेशर आता है, सियासतदान फिर मुकाबला करता है और आखिर तक पहुँचा के आता है। तो हम इमरान खान को और इसके फितने को भी इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे। ये झूठा आदमी है, ये मुल्क में झूठ ला रहा है, इसने लोगों को गुमराह किया है, और हम एक गुमराह आदमी को और उसके पागल साथियों को जो ज़हनी तौर पे गुमराह हैं और फ्रॉडिये हैं, उनको इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के लोगों को डी ट्रैक करें और पाकिस्तानियों की मंजिल को गहना दें। ये बड़ी बुनियादी बात है। और जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब हुकूमत का, हम फाइट बैक करेंगे, ये हमने फैसला किया है, और ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। मैं भी एक और दो आज बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये इमरान लाडला कब तक रहेगा, ये भी सवाल है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला क्यों नहीं करता? 50 बार स्टे ले चुका है, सालों से मुकदमा चल रहा है अकबर एस बाबर का, फॉरेन फंडिंग केस पे फैसला आना चाहिए, पता लगना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग किस किस गैर मुल्क से हुई है, कानून की कहाँ कहाँ वायलेशन की गई है। तो क्यों नहीं बताया जाता, इमरान खान के फैसले क्यों नहीं किए जाते? इसके फैसले रात को, इसके लिए अदालतें 2 घंटे में खुल जाती हैं, हमारे लिए 1.5-1.5 साल हम जेलों में पड़े रहे अदालतें इंसाफ देने के लिए, और अदालती निज़ाम तैयार नहीं था। कोई अल्लाह वाला जज आ गया तो इंसाफ मिल गया, नहीं आया तो जज साहिबान रिफ्यूज कर देते थे, हमारे मुकदमे नहीं सुनते थे, किस किस का नाम लूँ मैं? तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अदल फिर सबके लिए होना चाहिए। ये किस किस्म का अदल है कि एक तरफ फैसले ही नहीं आ रहे, एक तरफ कोई छू भी जाता है तो जनाब अदालत खुल जाती है उसके लिए, और उसे इंसाफ मिलता, मिलना चाहिए इंसाफ, फिर सबको मिलना चाहिए इंसाफ। पाकिस्तान के आम आदमी को क्यों नहीं मिलता, जो 20-20 साल जिसके मुकदमे पड़े हुए हैं उसे पूछने वाला कोई नहीं है? हम तो अपनी पार्टी को भी कहेंगे कि अगर बोलना नहीं है तो फिर कोई और काम कर ले। एक सेकंड, बोलना पड़ेगा, इसलिए कि बोल के एक आदमी ने झूठ की एक इमारत खड़ी की है। हर आदमी डर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकालता है, अदारों को गालियां निकालता है, इलेक्शन कमीशन को निकालता है, इसकी मर्जी का फैसला ना आए तो ये ऐसी तैसी कर देता है। हर बंदा छुपता फिरता कि गालियां निकालेगा, सोशल मीडिया पे गद्दार चोर नैरेटिव बना देगा, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए उसने इस काम पे। वो पैसा किधर से आया इमरान के पास? इसका तो कारोबार ही कोई नहीं है, इसे कौन पैसे देता है लोगों को बेइज्जत करने के लिए और बदनाम करने के लिए?
ये सारी बातें हैं, इनका डट के मुकाबला किया जाएगा, सामना किया जाएगा, और पाकिस्तान के रियासती अदारों को और इंसाफ करने वाले अदारों को खासतौर पर सोचना पड़ेगा कि ये इंसाफ की कौन सी किस्म है। कभी फैसला आता है कि जी डीसीट हो जाएंगे, कभी फैसला आता है कि जी वोट काउंट नहीं होगा, अगले दिन फैसला आ जाता है थोड़े दिन बाद जी नहीं अब वोट जो है वो भी काउंट नहीं होगा, अब डीसीट भी होंगे। तो हम सब कुछ देख रहे हैं, वजीर बनने का ये मतलब तो नहीं है कि जबान बंद करके गूंगे हो जाए, आंखें बंद कर लें, इससे तो वजीर ना बनना बेहतर, आदमी बात तो करता कम से कम खुल के साथ। भाई साहब एक खुल के बात बता दें, आपने कहा ये अब भी लड़ना है, तो ये 15 सीटें जीत जाना, क्या ये भी कोई खास प्यार मोहब्बत हुआ है, कोई खुशरारियत है इस जीत में? मैं नहीं समझता, गलत इल्जाम तराशी बिल्कुल नहीं करनी। इलेक्शन जो है वो उन्होंने जीता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। पहली बात है, फिर मैं कह रहा हूँ इलेक्शन जीतना चाहिए था ना, उसको सीटें उसकी थी, हमारी तो थी नहीं, हमने तो सारी आ रही थी, 5 जीत गए हम उसमें से, ये वाजे बात है। दूसरी बात ये है, उम्मीदवार बाज जगह पर उनका मसला था, क्योंकि एक आदमी 4 साल आपकी पार्टी के खिलाफ रहा, वो काम करता रहा, वो तंग भी किया उसने, उसके साथ लोगों को कंफर्टेबल करना चंद दिनों में मुमकिन तो आसान नहीं है, मुश्किल काम था। फिर सबसे बड़ी बात यह है, या मुल्क डिफॉल्ट होता या आप कीमतें बढ़ाते, तो आप कीमतें बढ़ा के इलेक्शन में चले गए हैं, या मुझे कहने की इजाज़त दें उधर से कीमतें बढ़ी हैं, उधर से इलेक्शन में धक्का दे दिया, जाओ जाके इलेक्शन लड़ो, तो बात हमें समझ आती है। बहुत मेहरबानी।